इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक और बता दें, यूक्रेन पर हमले के बीच रूसी शहर बेलगोड में धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन बॉर्डर का शहर है बेलगोड, और धमाका किसने किया यह अभी तक साफ नहीं है। बेलगोड शहर में एक के बाद एक दो धमाके हुए हैं। धमाके के बाद पार्किंग में खड़ी कारों के अलार्म बजने लगे हैं। तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तो तस्वीरों को देखिए किस तरीके से। ये वो इलाका है जो रूस और यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ इलाका माना जाता है, और यहाँ पर एक के बाद एक दो धमाके हुए, उसके बाद पाकिस्तान में खड़ी कारें थी उसमें अलार्म बजने लग गया। तो कहीं ना कहीं अब ये जो धमाके हैं काउंटर के तौर पर देखे जरूर देखा जाएगा इसे। हालांकि अभी तक जो है इन धमाकों को लेकर स्पष्ट नहीं है कि धमाका किसने किया, लेकिन तस्वीरें सामने आई हैं, एक के बाद एक दो धमाके यहां पर हुए। उधर यूक्रेन की सेना का रूस पर पलटवार भी देखने को मिला है। रूस पर हमले का यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है। वीडियो में रूसी सेना पर हमले की तस्वीर जारी की गई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस को इसमें भारी नुकसान हुआ है। तो लगातार जो है अब तक देखा आपने कि किस तरीके से रूस का कहर बरपा हुआ है यूक्रेन पर, लेकिन लगातार यूक्रेन की तरफ से जो है तस्वीरें और वीडियो जारी कर जो है ये बताया जा रहा है कि रूस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। एक और जो तस्वीर है जारी कर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस को भारी नुकसान उनकी तरफ से पहुँचाया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये दावा पेश किया गया, उन्होंने कहा कि रूस की सेना का को भारी नुकसान हुआ है, और यूक्रेन की सेना की तरफ से इसको लेकर बतौर सबूत वीडियो भी जारी किया गया है। तो एक तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन पर कहर बरपाया जा रहा है, तो अब यूक्रेन भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रहा, और